नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया विकासखंड के मेहदीपुर ग्राम सभा में आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के कुशल निर्देशन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन किया गया, जहां सबसे पहले अतिथि महोदय द्वारा पुष्प अर्पित कर मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि की गई और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी लोगों ने बारी बारी से माननीय अध्यक्ष जी ने सबको सम्मान करते हुए सभी से पुष्प अर्पित करने का आग्रह किया। सभी लोगों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को भव्य रूप देने के लिए ग्राम प्रधान महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय सहित ग्राम विकास अधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में खंड विकास अधिकारी महोदय ने गुलदस्ता देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र भी भेंट किया। साथ ही अध्यक्ष महोदय को सर्व सम्मान के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम सभा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान महोदय ने मुख्य अतिथि के साथ आए सभी सम्मानित जनों का सम्मान करते हुए अंग वस्त्र भेंट किया। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग रहा। वही जिला प्रशासन से लेकर सभी लोगों की यहां गरिमा मई उपस्थिति हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने तक चलाया जा रहा है, जहां पूरे देश में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के कुशल निर्देशन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपहार स्वरूप सभी सम्मानित बाल विकास पुष्टाहार से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया, गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। वहीं अन्य प्राशन डे तमाम चीजों के लिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग से सभी लोगों ने यहां अपना गरिमामयी उपस्थिति दिखाई। वहीं ग्राम प्रधान महोदय के इस भव्य कार्यक्रम के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुद उनका सम्मान किया कि इस तरह से आपने बहुत ही भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए इस संबंध में क्या कुछ करें मुख्य अतिथि महोदय, पूरी जानकारी सुनते हैं। व्यस्तताओं के बीच में मैंने इतना जरूर कहा था कि यदि किसी भी कारण से मुझे समय मिला तो मैं आपके यहाँ जरूर उपस्थित होऊंगा। ऐसे आदरणीय आप सबके इस सेवा में दिन रात रख श्रीमान हरकेश यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव एवं आसपास के सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन, माताएं एवं बहने, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना जी जान लगा करके मैं कहूं कि पिछले डेढ़ महीने से ऊपर हो गई है इस यात्रा को जिले में चलते हुए, और 26 नवंबर से यात्रा जिले के अनेक गांव में चल रही है। एक दिन में 24 स्थानों पर यात्रा जाती है और इन सभी स्थानों पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में दिन रात तक इस विकास खंड के या राजस्व विभाग के या अन्य सभी विभागों के ऐसे सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण, इन्होंने इस बात का भी संकल्प किया है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर, क्योंकि उन्होंने जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को जब रवाना किया तो अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस बात का संकल्प किया कि हम लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब हम सब लोग गांव में जाकर के सेवा का काम करेंगे। ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित, छायाकार बंधु हो, पत्रकार बंधु हो, अन्य सभी विशिष्ट जन, इनका नाम मैं यहां से अनेक नाम मैं जानता हूं लेकिन नाम समय की अभाव के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूं। सभी को अपने से जोड़ते हुए मैं सर्वप्रथम देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की व्यवस्था किया कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं, सरकार ने भी योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया है कि गांव के गरीब, किसान, मजदूर, युवा, ऐसे लोग जो लोग उस योजना के पात्र हैं और वो योजना उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई है, वो सरकारी विभागों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकारी विभागों के कार्यालय तक जा रहे हैं लेकिन किसी कारण से व्यस्तताओं के कारण अधिकारी और कर्मचारी उनसे नहीं मिल पा रहे हैं,
और उन योजनाओं का लाभ वह गरीब व युवा व मजदूर व किसान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसके लिए उन्होंने एक बार इस बात की योजना बनाई कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घर घर जाएगी, अर्थात हर गांव में जाएगी और उस गांव में जाकर के ही उस गांव में उनका रजिस्ट्रेशन करके ऐसी सभी योजनाओं को, जिन योजनाओं के लिए वो पात्र हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ उनको गांव में ही दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत आज यह मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आपके बगल में यहाँ खड़ी थी, आप सब लोग देख रहे थे, वो आई और आप लोगों के सामने ऐसे सभी विभागों ने ऐसा स्टाम्प लगाया है। मुझे लगता है कि अभी हमारे वक्ता अनिल पांडे जी बोल रहे थे कि देश में ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा हो योजनाओं के पात्र लोगों के यहाँ योजना पहुंचे, सरकारी विभाग के दरवाजे तक जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो उनके घर पहुंच करके मिले, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और आप सब लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? अभी बात तो हल जाता नहीं आप लोगों के, ये बात का व्यवस्था देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जब कौन योजना इस समय कहेगा तो योजना से हमने कल वंचित हो गई मानिया हमने के चाहिए तो वो योजना का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता आप लोग करा देगा, योजना का लाभ आपकी घरे पहुंचाए का व्यवस्था यहाँ का अधिकारी कर्मचारी जी करिए। और ये परिवर्तन कब आएगा, जब देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप लोग प्रधानमंत्री बनाने जा, योगी जी मुख्यमंत्री बनाने जा, आप सब लोगों के ग्राम में आवास दिखाई दे पाए। आवास का योजना बहुत दिन से आप लोग सुनत हो गया लेकिन आवास तब मिलने शुरू होगा जब देश में प्रधानमंत्री जी आवास की व्यवस्था कहेगा। कुल कितना आवास यहाँ मिला है, छत्तीस साल यहाँ है न, कितना आवास मिला है यहाँ? 26 क्यों आएगा भैया यहाँ आवास वाला आवास मिले लोग मिला माना आगे बस कहना हुआ भाग उठावे तो नहीं बहुत अच्छा नीचे करेगा हम बताओ तो यही से कर लिया। अभी जो बचल बामें जो पात्र हो दो बार ऐसा सूची प्रधानमंत्री जी बनवाना, पहली बार जब आवास योजना शुरू भाई तो आप सब लोगों के आर्थिक 2011 का आर्थिक जनगणना के आधार पर आवास मिले शुरू भाई, लेकिन जब उन्हें लगा कि बहुत ऐसा नदी माना जो योजना का पात्र बना उनके आवास मिले के चाहिए लेकिन दोनों कारण से उनके उनमें नाम नहीं थे वो लिस्ट में, तो फिर से आवास प्लस के नाम से गांव में वो सर्वे भाई और सत्यापन भाई और वो आवास का सूची का फिर से वो सूची बना और सूची का एकदम तय हो गई कि केकर नाव 1 नंबर पर रही और केकर नाव 20 नंबर पर रही। और जैसे जैसे आवास आवत गई है वैसे वैसे आवास आप सब लोग के मिलल है। हम जिला का अधिकारी लोगों से एक दिन पूछत रहे तो पता चला था कि अब धीरे धीरे सूची पूरा हो के वाली बात मैंने जवन आवास का सूची बदल रही है वो आवास भी आवास प्लस वाली भी अब पूरी होके वाली बात। फिर वो पोर्टल खुली और में फिर रजिस्ट्रेशन हुई, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता अगर पात्र हो जाता तो फिर से जांच हुई और जांच फैला का वो आवास मिली। लेकिन अब एगो बात जरूर बांटे हमारों के पता था अब अनेक लोग चाहता ना कि एगो आवास बन गए तो दूसर को मिल जाए का दिक्कत बा, बाबू जी की नाम मिलल रहा लड़का की नाम मिल जाए का दिक्कत बा, माई की नाम मिलल रहा बहू की नाम मिल जाए का दिक्कत बा, एकदम दिक्कत देखिए प्रधानमंत्री जी के देने के भीतर याद रहा। लेकिन पहले इतना जरूर बा कि हमारी की अगल बगल में क्या ऐसा आदमी रहा था जनक छानी छप्पड़ बा ऐसा बात है कि तिरपाल डाल के रहता था और बरखा पड़ेगा तब ओके हमारे के घर में शरण लेने के पड़ेगा। तो एक बार इतना प्रयास जरूर करेंगे कि पहले ऐसा आदमी के वो आवास मिल जाए कि ये गांव में केवल ऐसा न रह जाए कि बरखा पड़ जाए तो आप के घर में फिर आके रह के करो। जब एक बार ये सूची पूरी हो जाएगी तो फिर जब ऐसा आवश्यकता बा वह तो पूरा प्रधानमंत्री जी करिए ऐसा पूरा नहीं योजना अगर हम गिनाई तो हमको लगता कि सुबह से साझ हो जाए आई योजना पूरा ना हो। आयुष्मान योजना के बारे में अभी यहाँ से कहा जा रहा था अधिकारी लोग बताइए आयुष्मान योजना का कार्ड के उनके पास बनल बात तो यहाँ से उठावे मनोज भाई के भाई होंगे से कितना मिला है भगवान करना बारी आगे आयुष्मान योजना का कार्ड बना रहेगा रखने रहेगा लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऊपर जरूरत के उनके परिवार में ना आवे कहीं खाते हम मनाई की गंभीर बीमारी पहुंचे ईश्वर करे सब लोग सुखी सुखी रहा
लेकिन कोनो कारण से अगर ऐसा बीमारी हो गई तो हमने का कैसन परेशान रहा नहीं का ये बात के देश के प्रधानमंत्री जी महसूस कहना आ महसूस कहना तो व्यवस्था भी कहना ये आयुष्मान कार्ड जो घरे बा परिवार के सब करी नामे से बा छह आदमी बना तो छह आदमी पांच आदमी बना तो पांच आदमी सबकी नामे से वो कार्ड मिला बा हर साल 5 लाख का उन्हें एक साल बीमार पड़ लिया कोनो कारण से हम गई 5 लाख खत्म हो गई तो अगला साल फिर शुरू हो जाएगी अब मान सा वाला बना तो 31 मार्च के बाद फिर उन्हें 5 लाख रूपया आ जाए अभी जो व्यवस्था बा अब जरूर बाटे कि हमने का चाहत नहीं जाए जो बात हम पहले कहते नहीं कि सबके रहे के चाहिए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बार बार चिंता करता ना कि जेकर जरूरत बा होकर मिले के चाहिए पहले 2011 का आर्थिक जनगणना पर वो सूद मिलत रहे बाद में फिर प्रधानमंत्री जी ने संशोधन कहना आ कहना कि छो यूनिट जरा पर रही कार्ड कर सबका आयुष्मान कार्ड बने बनत ना भाई कहा माना जाए आयुष्मान वाला लोग सामने बैठे माना जाए लोग आपके देखिए आयुष्मान का अधिकारी लोग बन रहा है ना भाई अब 6 लोगों वाला भी बना था लेकिन एगो बात करते हम तो हल जाए कि अभी 5 वाला का भी जरूरत है कि ना बा अब कोनो कारण से हम यहाँ 5 आदमी बना 4 आदमी बना तो हमारा दिखाई भी ना चाहिए आपको से आग्रह कर पाली 5 वाला के 6 वाला के घूम घूम खोजा था विभाग वो अभी मिलत नहीं था तो तनी अपनी गांव में प्रयास कर ली थे कि जल्दी से आपको प्रचार कर ली थे 6 वाले में जब पूरा हो ना 5 वाला का नंबर अपने आप आ जाए ठीक ना तो 6 वाला का प्रयास कर ली जा अब लगल की पूर्ण उम्र की हो जाता तो ज्यादा जरूरत पड़ता इलाज का तो 60 वर्ष से जो उम्र ज्यादा बा उसका सफर बनाता वहां तो रोक टोक नहीं थे चाहे जे बाटे 60 वर्ष से उम्र ज्यादा हो गई ना तो वहू का बनाता के आप कहो क्या बना था क्या कहूँ का आयुष्मान के ऊपर बना लगा तो हाथ उठाए अच्छा बना बात है कुछ आदमी उठाए भी संकोच कर रहे हैं कार्ड लेके ना जाए घबराए जाए हम जाने पर मनो बहुमत की बात कुछ आदमी संकोच में लिखा उठावे थी यही बड़ा जिला से लेकर वाले में चल जाए वही ना मोदी जी हम लोग यही रहते बा कि तभी सरकार जो गांव में जाकर सुन लो पूछ लो जगह रजिस्ट्रेशन भाई ना जगह नहीं क्या मिला तो क्या कैसे मिली रजिस्टर पर यहाँ ना दिखाएगा बात का चिंता हमने नहीं क्या करेंगे मोदी जी खुद करेगा ना जेकर ना रजिस्टर में दिखा जाएगी और कोनो कारण से वो पात्र बना तो उनके वो योजना का लाभ होकर घर पहुंच जाए और पात्र नहीं है तो उनके बता जाए कि भाई आप एक पात्र रहेंगे लेकिन अगर पात्र नहीं है तो लाभ होकर घर उनके योजना का पहुंचे वाला ना ये बात का व्यवस्था देश आप उनका सांसद रहा देश का रेल का मंत्री रहा मनोज सिन्हा जी हमने उनका काम देखी सुबह से शाम तक सांसद लोगों के हैंडपंप का कोटा मिलने न करेगा और सुबह से शाम तक हमारी ऑफिस में हमारी टीचर 20-25 लोग आ गए ये बात खातिर कि साहब ये तो हैंडपंप दिवा दे कि बड़ा दिक्कत होता मोदी जी कहा कि कोनो गरीब के कमने के आगे हाथ लेके फैला लेते बिना कहे सबके घर चल जाए अब हमें कोनो जरूरत नहीं है कि कोनो नेता के पीछे घूमे के बाद नेता जी लोग महात्माओं के पीछे घूमे ऐसा व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी कहने को ये नाते हम आपको उनसे आग्रह करता नहीं कि कभी सड़क के मंगलवार के आप लोग क्या
अब पता है कि हम हेयर देंगे आप लोग हेयर चल देंगे। तब भूमि कहा लिखे हैं तेरा तेजे लिखवा के देंगे इंसान को आता नहीं कहीं के जाए दूसरी आवाम से कभी ना है। तब ठीक बात दूसरी जगह जहां जाए बस सबको वहां कहीं ना रहे तो यहां रहे ताज लिख के जाइए सब लोग अगर उनका नाम लिखवा देंगे। यही सब बात के साथ आप लोगों के धन्यवाद देते हुए कहें कि आप लोग जाड़ा में हमसे पहले आ गए नहीं है जाए हम तो बात कहेंगे क्षमा चाहता नहीं हम जगह रखते कि आप लोग पहले साइज बने तो पहले आके हमको एग्री करते आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपन बात पूरी करता नहीं और पूरा एक बार तक आपका नारा लगा दी जा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद महिलाओं को मिले सम्मान को देख ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि इस तरह का सम्मान शायद हमारे जमाने में हम लोगों को मुंह छकाई में भी नहीं मिला होगा। जो सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी के कुशल निर्देशन में आज गाँव गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गोद भराई का रस्म अदा किया जा रहा है, इस समय मानो लग रहा है कि कोई दुल्हन सजी है और उसका गोद भराई कार्यक्रम हो रहा है। इस तरह से यहां जो भी कार्यक्रम था जो भी स्टाल लगा था वो अपने आप में एक भव्य तरीके से सजाया गया था और ग्रामीणों को जिस उम्मीद से जिस चाह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है वह सारी योजनाओं का लाभ अब धीरे धीरे मिल रहा है। वहीं मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही है कि हर वंचित व्यक्ति तक योजना की लाभ और जानकारी दोनों पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बाल स्वरूप देवता तुल्य बच्चों को जो चटाई की रस्म अदा करते हैं उसको सर्वसम्मान के साथ अदा किया गया और माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने दो बच्चों को देव स्वरूप जिन्हें कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं उनका मुंह चटाई का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस तरह के भव्य कार्यक्रम के लिए माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय और स्थानीय जो मुख्य रूप से ग्राम प्रधान महोदय हैं और क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं उनका माननीय अध्यक्ष महोदय ने आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम सकुशल मेहदीपुर ग्राम सभा में संपन्न किया गया। देख सकते हैं मुख्य अतिथि महोदय ने सबका सम्मान किया, खास करके यहाँ बाई नेम जो छोटे पदाधिकारी हों भारतीय जनता पार्टी के या फिर बड़े पदाधिकारी हों खंड विकास अधिकारी महोदय रहे हों सबका माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में शपथ ग्रहण के साथ ही राष्ट्रीय गान भी किया गया। उसके बाद सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र सहित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले और लाभार्थियों को पुरस्कृत करते हुए उन्हें सम्मान पत्र दिया गया। कार्यक्रम के अंत में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से भी हमारी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य ही है कि हर वंचित व्यक्ति तक योजना का लाभ मिले। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद।